थोड़ा दूर। अरे राजपूत एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय बंसाली से काटेंगे तलवारों से, काटेंगे तलवारों से। नहीं उसको संदीप को भेज। सभी राजपूत सरदारों को मेरा शत शत नमन है और हम लोग आज यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमारे इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। या तो मूवी रिलीज करने के पहले हमें दिखाई जाए, और नहीं दिखाई जाएगी तो हम चलने नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो जौहर का मजाक बनाया जा रहा है ये हमारे लिए माता सती जो है जो सीता के बराबर है, हिंदुत्व को हम मान के चलते हैं और कभी भी हम अपने इतिहास के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। या तो मूवी हमें दिखाई जाए या हम उसे रिलीज नहीं होने देंगे। और आप लोग हमारे साथ खड़े रहिए, हम हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, अपने समाज के साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से माता पद्मिनी है वो सीता के इक्विवेलेंट उनके तुल्य है, और इसे मजाक ना बनाया जाए, क्योंकि जो जौहर है वो जौहर है। भारत माता की जय। राजपूताना जिंदाबाद जिंदाबाद। जय राजपूताना। जय राजपूताना। मौत मरेगा। जय शिवा सरदार की। जय राजपूताना की। जय शिवा सरदार की। जय राजपूताना की। जय शिवा सरदार की। जय राजपूताना की। पानी पत्नी की जय। पद्मिनी के सम्मान में, पद्मिनी के सम्मान में, राजपूताना जय। जय राजपूताना। सब लोग जी बताइए, आज जो विरोध किया आगे अगर ये फिल्म रिलीज होती तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोगों का तो सीधा सीधा स्पष्ट कहना है, अगर इसमें जो हम चाह रहे हैं हमारे हिसाब से अगर परिवर्तन नहीं गया तो 100% 24 संगठनों से बात हुई है, प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश बॉडी से बात होगी और सेंट्रल बॉडी से बात हुई है। अगर ये लोग नहीं माने तो 100% आग लगा दी जाएगी। उसके लिए हमें जिस नौबत पे जाना पड़े, जेल जाना पड़ेगा, लाठी से जाना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन के खाने को तैयार है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। इसको धमकी ना समझे, हकीकत में करके दिखाएंगे। क्योंकि रानी पद्मावती जो हैं एक सती हैं हमारे लिए, हमारी एक आदर्श हैं, जिन्होंने 1600 रानियों के साथ में जौहर कर लिया। क्या संजय लीला भंसाली जी को ये मालूम है कि जौहर का मतलब क्या होता है, जो उनका मजाक बनाया जा रहा है? अगर उनको इस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा होता कि जौहर का मीनिंग क्या होता है, ये राजपूतानी या शतरानियों की शक्ति को बताया गया होता तो हमें फक्र होता। जो हम जूते मारने की बात कर रहे हैं, हार पहना के स्वागत कर रहे होते उनका कि उन्होंने हमें सम्मान दिया है, बट जो वो हमारे साथ कर रहे हैं ये शर्मनाक है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें बहुत मूवी बनाने का शौक है तो उन्हें अपने घर की कोई ऐतिहासिक बात पे मूवी बनाना चाहिए और अपने घर की बहन बेटियों को बीच चौराहे पे लेकर आना चाहिए, हमारे इतिहास को नहीं। कितने संगठन आज आपने, कितने लोगों ने आपने ज्ञापन दिया? 24 संगठन यहाँ पर। फिल्म रिलीज होती तो आप लोग क्या करेंगे? आग लगा देंगे टॉकीज़ों में, क्योंकि हमारे सम्मान का और गौरव की बात है, मजाक नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे। मैं सत्या कंवर सोलंकी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से प्रदेश अध्यक्ष और पद्मिनी सेना से प्रदेश संयोजक। ठीक है, एक और इधर।